गाढ़रवाला में हीरापुर वाले महाराज जी का 7 दिन के लिए आगमन हुआ है। नगरवासियों के द्वारा महाराज जी को अपने घर में बुलाकर वह अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली मान रहे हैं। हीरापुर वाले महाराज जी का गाढ़रवाला नगर में खेड़ापति मंदिर में आगमन हुआ। वहीं दूसरी ओर नगर के गणमान्य नागरिक नरेश पाठक, पूर्व विधायक साधना स्थापक उमा गुप्ता, रेलवे स्टेशन पर रविशेखर जायसवाल के यहाँ देर रात महाराज जी के स्वागत के लिए लंबे समय से इंतजार करते हुए खड़े थे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग महाराज जी के स्वागत के लिए लंबे समय से इंतजार में खड़े हुए थे। रवि जायसवाल ने कहा, गाढ़रवाला नगर बड़ा सौभाग्यशाली है कि महाराज जी का 7 दिन के लिए सानिध्य मिल रहा है। हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। महाराज जी का आशीर्वाद नगर पर हमेशा बरसता रहे। गाढ़रवाला पूरा भगवान है, जो पूज्य गुरुदेव भगवान का सानिध्य मिल रहा है और 7 दिन का सानिध्य मिल रहा है। 7 तारीख में जो शोभा यात्रा निकली उसमें जनता का ऐतिहासिक, आम जनता का ऐतिहासिक प्रेम और इसने महाराज जी के प्रति देखने मिला, और उतना ही महाराज जी का आशीर्वाद, खुले हाथों से महाराज जी का आशीर्वाद जनता को मिला है। और निश्चित रूप से कोई संत का आगमन जब होता है तो वो शुभ संकेत होता है। यही संदेश है कि गाढ़रवाला के लिए बहुत शुभ संकेत है। आप कैसा महसूस करते हैं आज महाराज जी का, आज आपके ग्रह पर आगमन हो रहा है? हम लोग तो सुदामा के माफिक हम लोग अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, जो आज गुरु महाराज जी का हमारे निवास पर आगमन हो रहा है। छोटे से हमारे आग्रह पे महाराज जी आज आए हैं, तो हम तो अपने आप को बहुत भाग्यवान मान रहे हैं। नर्मदा का वह जादू स्पर्श जिसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर आज नर्मदा माँ के परम भक्त, त्रिपुरी माता के उपासक, परम गुरुदेव हीरापुर वाले महाराज जी की के ऊपर जो माँ नर्मदा की और जो आदि शक्ति की कृपा है, उसी कृपा के कारण आज इस हमारे नगर में एक धर्म की जो भाव गंगा बह रही है, निश्चित रूप से गुरुदेव को हम सत सत नमन करते हैं। और उनके आने से इस पूरे गाढ़रवाला नगर को एक धर्म और उसकी धारणा और उसकी भावनाओं से ओत प्रोत कर दिया। ऐसे गुरुदेव को हम पुनः उनका वंदन और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले कल में इस क्षेत्र के शांति के लिए, हम सबके निर्माण के लिए गुरुदेव की और मां नर्मदा की कृपा सदैव हम पर बनी रहेगी। जय गुरुदेव। गाढ़रवाला से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।